गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी का ये सीन आज आपको बिहार के हाल से मिलता जुलता लग रहा होगा। जी हाँ, ये देखिए महागठबंधन सरकार में बिहार का हाल। भोजपुर में अपराधियों की ये कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन इस घटना ने नीतीश जी के कुशासन का चेहरा उजागर कर दिया। जी हाँ, पत्रकारों के सामने तो नीतीश बाबू चीख कर कहा करते हैं, कहाँ है जंगल राज, मानो उन्होंने ये दृश्य कभी देखा ही नहीं। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं बिहार में कैसे जंगल राज रिटर्न्स आ चुका है और इसमें बैंक लूट का बिजनेस काफी फल फूल रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर में अब तक बैंक लूट की दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं। 12 अप्रैल को मोतिहारी में ICICI बैंक में भीषण डकैती की खबर है और 40 लाख रुपयों की लूट की गई है। 13 अप्रैल को सोनपुर में बड़ी खबर सोनपुर से है, जहां DRM कार्यालय के पास PNB शाखा से बाइक सवार अपराधियों ने करीब 12 लाख रुपए लूट लिए हैं। 18 अप्रैल को जमुई में बड़ी लूट की घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया है। बताया जा रहा है कि 5 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और अब पटना से सटे भोजपुर में बैंक लूट की कोशिश, वो तो भला हो उस पिस्टल का जिसकी वजह से एक और बैंक लूटने से बच गया, वरना सुशासन बाबू ने तो अपने राज्य में खुली छूट दे रखी हो, मानो कहा हो लूट सको तो लूटो। महागठबंधन की सरकार है, आप लोगों के लिए बहार है। इतना ही नहीं, सिर्फ मार्च 2023 में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के 3 शाखाएं लूट ली गई और ये तीनों लूट सिर्फ समस्तीपुर जिले में हुई। ये फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन मतलब साफ है कि नीतीश बाबू के सुशासन को खुलेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है, वो भी पूरे बिहार में। पर नीतीश जी अपने भतीजे के साथ 2024 का गेम सेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन सुन लो नीतीश बाबू, आज जिस तरह आप बिहार की जनता के साथ खेल रहे हैं, अगर जनता ने आपके साथ खेलना शुरू कर दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे और ये होना तय है।